हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। वाइटैलिटी ब्लास्ट का गेम लैंकेशायर वर्सेस नॉटिंगम शायर, और इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं विजन 11। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ब्रो अक्षर सही है, बात मान शमी। सिर्फ अक्षर और शमी क्यों, उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. बात करें दोस्तों इस गेम की, तो इस गेम में हम देखेंगे प्लेयर्स के वेन्यू रिकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस एंड कैप्टेंसी चॉइसेस। लैंकेशायर की बात करें तो लगातार दो गेम जीत कर आ रहे हैं और अब कोशिश करेंगे कि यहां पर जीत कर अपनी थर्ड विन हासिल कर पाएं। नॉटिंगम शहर अपना ओपनिंग गेम जीत कर आ रही है डर्बी शहर के सामने और कोशिश करेगी कि उस जीत वाली स्ट्रीक को बरकरार रखे। प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो लैंकेशायर की तरफ से लूक वेल्स, फिलिप सॉल्ट, स्टीव क्रॉफ्ट, डी मिचेल, लिविंगस्टोन, कॉलिन डी ग्रैंडॉम, जॉर्ज बेल, हार्टली, वुड, साकिब महमूद और मैथ्यू पार्किंसन स्टार्ट करने चाहिए, जबकि नॉटिंगम शहर की तरफ से जो क्लार्क, एलेक्स हेल्स, मनरो, मॉन्टगोमेरी, स्टीवन मुलनी, टॉम मूर्स, लाइंडन जेम्स, स्मित पटेल, मैथ्यू कार्टर, शाहीन अफरीदी और कनोर मकेर शुड बी इन द प्लेइंग 11। बात करें इस वेन्यू की तो ये ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में गेम होने वाला है, जहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 163 का। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो यहां पर हमने देखा है कि पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है, स्ट्राइक रेट उनकी है 17.2 की, जबकि स्पिनर्स की स्ट्राइक रेट है 25.8 की। बात करते हैं प्लेयर्स का रिकॉर्ड इस वेन्यू पर, तो लैंकेशायर की तरफ से स्टीवन क्रॉफ्ट यहां पर 86 इनिंग्स में 1946 रन बना चुके हैं, एवरेज 30.89 का, जिसमें 1250 शामिल हैं। लियाम लिविंगस्टोन की बात करें तो 34 इनिंग में 1000 के ऊपर रन हैं, 31.66 का एवरेज, जिसमें 7 अर्धशतक भी शामिल हैं। फिल सॉल्ट की बात करें तो 14 इनिंग में 415 रन इन्होंने बनाए हैं। डैनी लैम ने 12 इनिंग में 110 रन बनाए हैं और बाकी सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपके सामने हैं। इनके बॉलर्स की बात करें तो मैथ्यू पार्किंसन ने यहां पर 34 इनिंग्स में 52 विकेट्स लिए हैं। लूक वुड के 26 विकेट हैं 20 इनिंग में, स्टीवन क्रॉफ्ट के हैं 53 इनिंग्स में 25 विकेट, हार्टली के 22 इनिंग में 20 विकेट हैं, लिविंगस्टोन ने यहां पर 18 विकेट चटकाए हैं 22 इनिंग में, और इनके अलावा साकिब महमूद ने यहां पर 14 इनिंग में 14 विकेट चटकाए हैं। नॉटिंगम शहर के प्लेयर्स की बात करें तो एलेक्स हेल्स ने यहां पर 13 इनिंग्स में 374 रन बनाए हैं, 31.17 का एवरेज, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है। मनरो ने 7 इनिंग में 169 रन बनाए हुए हैं यहाँ पर, समित पटेल के भी 157 रन हैं 11 इनिंग में, और स्टीवन मुलनी ने यहाँ पर 5 इनिंग में 34 रन बनाए हैं। इनके बॉलर्स की बात करें तो समित पटेल 11 विकेट ले चुके हैं 12 इनिंग्स में यहाँ पर, स्टीवन मुलनी 2 विकेट हैं इनके 5 इनिंग में, शाहीन अफरीदी ने 4 इनिंग में 2 विकेट चटकाए हैं, और मैथ्यू कार्टर ने यहाँ पर 2 इनिंग में 7 ओवर डाले हैं पर एक भी विकेट अब तक नहीं मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप्स के बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं, जो शायद आपको आज हेल्प कर जाए अपनी टीम बनाने में। जो क्लार्क, जो कि पिछले गेम में शानदार 50 मारकर आ रहे हैं, इनका रिकॉर्ड या इनका मैचअप अगर आप देखोगे वर्सेस टॉम हार्टली एंड लियाम लिविंगस्टोन, तो शायद आप एक बार फिर से सोचोगे इनको कप्तान बनाने से। टॉम हार्टली ने इनको 6 इनिंग में 2 बार आउट करा है, 23 बॉल में 34 रन खाए हैं, एवरेज 17 का है, जबकि लिविंगस्टोन ने इनको 6 इनिंग में 2 बार आउट करा है, 21 बॉल में केवल 23 रन कंसीड करे हैं। लिविंगस्टोन का मैचअप देख लेते हैं वर्सेस समित पटेल, तो 12 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं, 60 बॉल में 71 रन मारे हैं, एवरेज 17.8 का। और मैट पार्किंसन की अगर आप मैचअप्स देखोगे वर्सेस नॉटिंगम के बैटर्स, तो शायद इनको आप कंपेल हो जाओ कि एक डिफरेंशियल वीसी की तरह कंसिडर कर पाओ। एलेक्स हेल्स को 6 इनिंग में 4 बार आउट करा है, मनरो को 3 इनिंग में 2 बार आउट करा है, समित पटेल को 6 इनिंग में 2 बार आउट करा है, और स्टीवन मुलिनी को भी 3 इनिंग में 1 बार इन्होंने आउट करा है। चलते हैं दोस्तों आप टॉप पिक्स की तरफ, तो लैंकेशायर से नंबर 1 पर आते हैं फिल सॉल्ट, जिनका फॉर्म काफी बढ़िया है, आईपीएल में भी जम के रन बनाए थे, पिछले गेम में 28 बनाए थे, और इनके विकेट कीपिंग के पॉइंट्स भी आ सकते हैं। सेकेंड टॉप पिक है डैरिल मिचेल, जो कि ऑलराउंड वैल्यू देकर जा सकते हैं, पिछले गेम में 1 विकेट चटकाया था 2 ओवर में, उसके पहले 4 ओवर डाले थे पर विकेटलेस रहे थे, बैटिंग करते हुए भी इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए, 1 में 31, 1 में 25 पर नाबाद थे और बैटिंग नंबर 4 पर करते हैं। थर्ड टॉपिक है लियाम लिविंगस्टोन, जो कि कैप्टनसी कैंडिडेट भी हैं, पंजाब के लिए भी बहुत रन बनाए थे आईपीएल में, 9 इनिंग में 279 रन बनाए थे वहां पर, है ना, कुछ कुछ तो मैच विनिंग इनिंग्स या क्लोज टू मैच विनिंग भी आ चुका था, 2 विकेट चटकाए थे वहां पर, वेन्यू रिकॉर्डिंग के फेवर में, हालांकि लास्ट गेम में इनको बैटिंग नहीं मिली बिकॉज गेम वन साइडेड चली गई थी, बट लिविंगस्टोन की कैपेबिलिटी हम सबको पता है कि कितने ये काबिल प्लेयर हैं। फोर्थ टॉपिक है लूक वुड, जो कि बैक टू बैक 3 विकेट लेकर आ रहे हैं, बैटिंग के थ्रू आपको रन्स भी दे सकते हैं, और ये मोस्टली नए बॉल से बॉलिंग करने चाहिए और अपने फुल कोट ऑफ ओवर्स भी ये बॉलिंग करेंगे।
चलते हैं नॉटिंगम शहर की तरफ से और वहां पे टॉप पिक्स की बात करें तो नंबर वन पर आते हैं एलेक्स हेल्स, जो कि पिछले गेम में थोड़ा सा सस्ते पे आउट हो गए थे 12 रन में, पर पीएसएल में जम के रन बनाए थे, 6 इनिंग में 137 रन थे, वेन्यू रिकॉर्डिंग के फेवर में है और पिछले साल भी 14 इनिंग्स में 374 रन बनाए थे। सेकेंड टॉप पिक है न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल स्टार कॉलिन मनरो, जो कि पीएसएल में 11 इनिंग में 298 रन बनाकर आ रहे हैं। लास्ट सीजन 323 रन बनाए थे 12 इनिंग में, पिछले गेम में स्टार्ट मिली थी 23 रन बनाए पर उसको बड़े इनिंग्स में स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। थर्ड टॉप पिक है जो क्लार्क, जो कि 68 बनाकर आ रहे हैं लास्ट गेम में, 29 बॉल्स में बनाए थे, विकेट कीपिंग के पॉइंट्स भी आपको दे सकते हैं, फॉर्म बढ़िया है, लास्ट सीजन 14 इनिंग में 305 रन बनाए थे। पर जो क्लार्क के दो मैचअप्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने मिस करा है तो वीडियो में थोड़ा सा पहले चले जाना, आपको वहां पर इंटरेस्टिंग मैचअप्स मिलेंगे जो क्लार्क के, जो शायद आपको उनको सीवीसी बनाने से रोक सके। फोर्थ टॉपिक है शाहीन अफरीदी, जो कि न्यू बॉल से बॉलिंग कर सकते हैं, डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, पिछले गेम में एक विकेट भी आया था, पीएसएल में हमने देखा था कि कैसे 6-7 नंबर पर बैटिंग करके ये रन्स भी बना सकते हैं। 8 इनिंग में 133 रन थे पीएसएल में, जबकि 12 इनिंग में 19 विकेट भी वहां पर चटकाए थे। शाहीन अफरीदी बॉलिंग फर्स्ट एक डिफरेंशियल वीसीडी आपके लिए बन सकते हैं। तो दोस्तों डिफरेंशियल पिक्स की बात कर लेते हैं, नंबर वन पर आते हैं स्टीवन मुलिनी, जो कि लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, वेटरन ऑलराउंडर हैं, कुछ कुछ ओवर्स भी डाल सकते हैं और पिछले सीजन 193 रन बनाए थे और 7 विकेट भी चटकाए थे। सेकेंड डिफरेंशियल पिक है लूक वेल्स, जिन्होंने ओपनिंग गेम में क्विक फायर 66 बनाया था, पिछले गेम में केवल 4 रन ही बना पाए थे और एक हिट और मिस प्लेयर है, पावर प्ले में अगर चल गए तो ढेर सारे रन बना सकते हैं। थर्ड डिफरेंशियल पिक है मैट पार्किंसन, जिनके मैचअप्स अगेंस्ट द नॉट्स बैटर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में, अगर मिस किया तो थोड़ा सा पहले चले जाना, वेन्यू रिकॉर्डिंग के फेवर में है और पिछले सीजन भी 12 इनिंग में 13 विकेट चटकाए थे। चलते हैं सेफ कैप्टनशिप पिक की तरफ और यहां पर हम रेकमेंड करेंगे फिल सॉल्ट, डैरिल मिचेल, लियाम लिविंगस्टोन, जो कि आपको मल्टीपल वेज में वैल्यू दे सकते हैं, बड़े प्लेयर हैं और अपने दिन पर चले तो लंबा खेल कर जा सकते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक की तरफ चलें तो जो क्लार्क और कॉलिन मनरो ये दो पिक हैं जो हमारे हिसाब से काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपकी टीम में मेक कर सकते हैं और जैसे हमने कहा था अगर इन पे पूरा पूरा चला तो कैपेबिलिटी है कि आपको वन साइडेड विन करा सकें। चलते हैं बेस टीम की तरफ जो कि विजन लाइन पर हम बनाएंगे, विकेट कीपिंग सेक्शन में फिल सॉल्ट हैं, जो क्लार्क हैं, बैटिंग सेक्शन में लिविंगस्टोन, हेल्स, मनरो, ऑलराउंडर्स में हैं डैरिल मिचेल, बॉलिंग सेक्शन से शाहीन अफरीदी, लूक वुड और इसके साथ हमारी 8 मेंबर बेस टीम बन जाती है। विजन 11 डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ऑल्सो दोस्तों याद रखिएगा फाइनल टीम आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। चाहे एक गेम हो, 8 गेम हो, 10 गेम हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, मेंस क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट, T10 टेस्ट मैचेस, सारे गेम्स की कवरेज होती है केवल एक जगह पर, जो कि है व्यू स्पोर्ट ऐप। डाउनलोड नहीं किया अब तक तो फटाफट कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।